वेलकम टू पाकिस्तान। बस ये जगह ही ऐसी है कि यार हर जगह से प्यार मिल रहा है और मुझे और भी पाकिस्तानी मिले और ये हमें पहचान जाता है बिकॉज़ येलो कलर का ये कार्ड है और मैंने जैसे कि कहा कि पाकिस्तान से जो आ रहे हैं तो रेड है ऑरेंज है तो यू नो मिल जाते पहचान जाते एक दूसरे को और मुलाकात होती है बातें होती है काफ़ी पसंद आ रहा है मुझे। आपका नाम क्या है? असद। असद हाँ जी लाहौर से। जी लाहौर से। और आप? मेरा नाम आसिम है। आसिम जी लाहौर से। यहाँ मुझे चौथे आप आसिम मिले हो। अच्छा असद भी आपको काफ़ी मिल जाएंगे। हाँ आसिम जी बहुत है मतलब काफी लोग हैं जिनका नाम आसिम मुझे तो नहीं इतने मिलते बस। आपका क्या नाम है? प्रतीक। प्रतीक जी मुंबई से आए। मुंबई से। काफी लंबा सफर है और एंजॉय कर रहे हो? ट्रैवलर हूँ कोई सफर लंबा छोटा नहीं होता मेरे लिए। फिर तो नहीं बिल्कुल। कैसा लगा आपको यहाँ पे? बहुत बेहतरीन और काफी एक्साइटमेंट और पल पल तो कैसा है कि मतलब एक पल पल जैसे जैसे करीब आते गए इस जगह से इस जगह के तो यू नो एक्साइटमेंट लेवल बढ़ती गई और इस कदर एक्साइटमेंट लेवल है कि भूख प्यास यू नो जो भी है सब दूर थकान सारी चीज़ें दूर और बस प्यार ही प्यार मिल रहा है हर जगह से। बिल्कुल मैं आपकी वीडियो के जरिए एक पैगाम देना चाहता हूँ। वहाँ पे मेरे काफ़ी दोस्त हैं वो भी यहाँ आए मिले। हाँ। इंशाल्लाह हम भी आएंगे यहीं मिलेंगे। हाँ। बस यही 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 मैसेज फैलता जाए कि पीस ह्यूमैनिटी और भाईचारा बनाए रखिए और सद्बुद्धि दे भगवान उन्हें अल्लाह ताला उन्हें सद्बुद्धि दे जो नफरत फैलाने की कोशिश करते बाकी एकदम सही है। एक ही कल्चर है एक ही तकरीबन ज़बान है और एक ही हमारी ख्वाहिश है आवाम की चाहे वो पाकिस्तान से हो या हिंदुस्तान से। काफ़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। थैंक यू। अच्छा मैं भी एक छोटा सा पैगाम देना चाहता हूँ आपके उस यूट्यूब के चैनल से। आपका काम है और मैं ये बता भी रहा हूँ कि आप जाके वहाँ पे मार्केटिंग करें इस चीज़ की पॉजिटिव मार्केटिंग करें कि पासपोर्ट का किसी किस्म का कोई हमारी तरफ से नहीं है। ये सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से है उनके पॉइंट ऑफ मतलब उनका वो वट एवर जो भी रीज़न है। यहाँ पर सिर्फ आपको आइडेंटिफिकेशन अपनी शो करने के लिए वेदर आप बेशक अपना स्कूल आइडेंटिफिकेशन कार्ड कुछ भी वट एवर दिखा के एंट्री कर सकते हैं। सरकार के हिसाब बिल्कुल आप कोई भी आई कार्ड से यहाँ एंट्री कर सकते हैं। इंडियन गवर्नमेंट ने ये रूल है कि पासपोर्ट कंपलसरी है जी। अच्छा तो दूसरी बात मैंने आपको ये बतानी थी कि मेरे भी बहुत सारे दोस्त हैं वहाँ पे। हाँ। और काफी उनके जेन में मतलब ये इस चीज पे है कि पासपोर्ट पे स्टैंप लग जाएगा। भाई स्टैंप भी लगेगा तो कोई बात नहीं अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान वो जो रेपुटेशन है वो अपनी दोबारा वापस आ रही है उसकी। बस वो बहुत सी नेगेटिव चीजें उनको हमने हमें नहीं देखना ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि पासपोर्ट पे स्टैंप नहीं लगती है और कोई ऐसा नहीं सिर्फ एक एंट्री के लिए एक परमिट है एक कागज वो आपके पास होगा। लोगों की काफी दोस्तों की तो आप जाके उनको बताएं कि ऐसा कुछ भी नहीं है और ज्यादा से ज्यादा लोग आए जैसे आप जैसे यंगस्टर्स हैं हम भी सीनियर सिटीजन देख रहे हैं। जाहिर सी बात है मुझे काफी लोग मिलते हैं कि यू नो कि हमें इंडिया आना है बहुत शौक है जैसे और जैसे मैं दुबई गया मलेशिया गया तो काफी मुझे पाकिस्तानी भाई मिले जो यू नो कहते हैं कि हमें बहुत ख्वाहिश है दिल्ली आना मुंबई आना तो वैसे हमारी भी ख्वाहिश होती है लाहौर आना कराची आना इस्लामाबाद आना और एक्सप्लोर करना और बींग अ ट्रैवलर माइसेल्फ मेरे को तो बहुत खुशी होगी अगर जिस दिन मुझे मौका मिला। अगर आप मुंबई के हो तो आपको कराची में जरूर आना चाहिए फिर तो। हाँ, तो मुंबई और कराची के जो है ना आपस में काफी इनका एक्सेंट और काफी चीजों सिमिलैरिटी बहुत ओवरऑल दोनों ही हम पाकिस्तान इंडिया सिर्फ एक लाइन का फर्क है और कुछ भी नहीं है बिल्कुल सेम। जैसे कि ये है कि ये लाइन ऐसा दिखता है वैसे ही एक मन जो भी है एक लाइन हमने सोची है हमने बनाई है। बाकी आवाम की बात करें और इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं यहाँ हूँ और काफी लोगों से मिल रहा हूँ मैं तो मलेशिया दुबई जा चुका हूँ और आपने मेरे व्लॉग्स देखे तो आपको भी पता है कि मैं जहाँ मौका मिलता है मिलता हूँ बात करता हूँ उनसे और ये यू नो ये आम बात है कि वो भी एकदम प्यार बताते हैं तो इसमें कोई ऐसा नहीं है कि हम प्यार बताएं या फिर वही प्यार बताएं और दूसरी तरफ से वो रिस्पांस नहीं मिलता है। दोनों तरफ से इक्वल रिस्पांस मिलता है दोनों तरफ से इक्वल प्यार मिलता है तो यही कहना चाहता हूँ कि जो भी हो सब एक हो मतलब मसले सब सुलझ जाए और बस दोबारा यही कहूँगा कि अच्छे लोग हैं तो अच्छाई ही मिलती जाएगी अच्छाई बढ़ती जाएगी और जो बुराई के राह पे चल रहे हो जो बुराई फैला रहे उनको भगवान सद्बुद्धि दे। बस हाँ जी बिल्कुल उनको थैंक यू जी थैंक यू सो मच थैंक यू बाय भाई मेरी फोटो की नहीं लेकिन सही बात ये मेरे को अभी आपको मैं एक और चीज बताऊं कि इसका जो है फर्दर रेनोवेशन भी चल रही है। हाँ, अच्छे डोमिट्रीज बना रहे हैं यहां पर आके जो कि इंडिया के अलावा जो और सिख हिंदू जो बाहर से आएंगे ट्रैवलर्स अब्रॉड से फॉरेनर जो भी वो यहां पर स्टे कर सकता है मोर देन 10 डेज इससे भी ज्यादा।
तो ये अभी आहिस्ता आहिस्ता जो है ना इसको अभी आप खुद देखेंगे हाँ होगा ये बहुत, इसका काफी चीजें रेनोवेट करनी है तो बस अभी शुरू किया इन्होंने। तो जैसे बीच में अफवाह आई थी, अफवाह नहीं थी वो फैक्ट था कि भैया पाकिस्तानी फोन वगैरह अलाउड नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं है, इनको फोन वगैरह अलाउड है। बीच में एक दो दिन ही नहीं था, उसके बाद अभी इनको भी फोन अलाउड है, और इनको फ्री एंट्री थी पहले लेकिन अभी फ्री एंट्री नहीं है। इंडियन करेंसी बात करूँ तो 120 रुपया इनको पे करना पड़ता है, और हमारी बात करें तो भैया 20 US डॉलर। तो ये बिकॉज जाहिर सी बात है इतना खर्चा किया पाकिस्तान सरकार ने, आप देख सकते हो जैसे कि, तो जाहिर सी बात है रेवेन्यू जनरेट करना बनता है, और इतनी प्यारी जगह है जाहिर सी बात है, और रिनोवेशन बन रहा है, और जैसे कि इन्होंने कहा है अभी कि डॉर्मिटरीज बन रही है वहाँ, जहाँ कुछ बन भी गई हैं हाँ, लेकिन जो इंडिया के नहीं है, जो फॉरेन में जो सिक्स वगैरह रहते हैं पंजाबीज, तो वो यहाँ 10 दिन तक अप टू 10 डेज रुक सकते हैं यहाँ पे। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ और अपग्रेड हो रही है, और ऐसे ही अपग्रेड होते जाए, अपग्रेड इतना हो जाए कि बस फिर तो यार कोई जरूरत ही नहीं ना वीजा ना कोई दोनों देशों को। पाकिस्तानियों को भी अलाउ किया जाए। टेम्पल मीन्स मंदिर, जैन मंदिर पाकिस्तान में है? बिल्कुल है, जैन मंदिर है। और अरे वाह, एक जबरदस्त किस्म की ऑरेंज ट्रेन बनी है, और जैन मंदिर में वहाँ पे स्टॉप है। ओके, वहाँ पे एक मशहूर कॉलेज है एमयू कॉलेज, वो बिल्कुल उसके पास ही है। लाहौर में जैन मंदिर है, बिल्कुल बहुत बढ़िया। लेकिन वो है वहाँ पे, मतलब लोग जाते दर्शन होता है मतलब के नहीं? ऐसे मंदिर होगा, मंदिर है, जगह का तो नाम फिक्स है? जगह का नाम फिक्स है। अच्छा, मंदिर का आइडिया नहीं है लेकिन जगह जरूर है। अच्छा, वहाँ पे फ्रेंड रहते हैं मेरे, और ये बिल्कुल अनारकली, ओल्ड अनारकली के साथ है लाहौर में। कपूरथला हाउस है एक। ओके यार, मेरे को फिर तो आना है लाहौर, मैं जैन हूँ। अच्छा, आपको तो लाजमी आपको लेके जरूर आए, आपको घुमाएंगे फिराएंगे, जैन मंदिर भी लेके जाएंगे आपको। हाँ। कृष्णा मंदिर है वहाँ पर। अच्छा, अनारकली के पास, वहाँ पे लेके जाएंगे। बहुत बढ़िया। अनारकली एक बेसिकली एक जगह का नाम है, वो एक आपको सुना ही होगा, और जो आपने अनारकली सॉन्ग भी सुना होगा। हाँ, ये अनारकली है। अच्छा, बहुत बढ़िया। जैसे ही आप दर्शन करके निकलते हो करतारपुर, तो ये है मार्केट। और जनाब, मार्केट में घूमो, मार्केट देखो थोड़ी सी। मैं मुंबई से। हाँ, तो ये मार्केट है काफी अच्छा। अरे अल्लाह हाफिज़ जी, बहुत बहुत अच्छा यूट्यूबर है। अरे थैंक यू। तो हाँ, प्रतीक जैन, तो ये पाकिस्तान का मार्केट है, मतलब ये सब जो भी है ये पाकिस्तानी मार्केट है। जितने भी शॉप्स आपको दिख रही है सब पाकिस्तान की शॉप्स है, और यहाँ पे तो ये करेंसी आप एक्सचेंज कर सकते हो, यहाँ पे इंडियन करेंसी देकर, पाकिस्तानी रुपया लेकर आप शॉपिंग कर सकते हो। फुल अमेजिंग चीज़ है, अमेजिंग एक्सपीरियंस है, अमेजिंग अनुभव है, और एकदम काफ़ी नई चीज़ देखने मिली है कि आप पाकिस्तान में शॉपिंग कर रहे हो, और यू नो घर कुछ लेके जा रहे हो सोवेनियर्स, तो काफ़ी बेहतरीन चीज़ें। मैं भी कुछ देखता हूँ जो पसंद आए, कुछ लेके जाता हूँ। फिलहाल तो यार 4:30 बजने को है, ठंड काफ़ी बढ़ गई है, तो और टाइम सर भी निकलना है, तो 5-10 मिनट मैक्सिमम मैं यहाँ पे हूँ, फिर निकल जा रहा हूँ, क्योंकि ले ज़्यादा लेट करके मतलब नहीं है। उन्होंने भी मना कहा था इंडियन इमिग्रेशन में और पाकिस्तानी इमिग्रेशन में कि 4-4:30 मैक्स, उसके बाद आ जाना, तो ये उनका यू नो मान रखते हुए, मतलब उनकी ऑफकोर्स ये जो भी है वो हमें फॉलो करना चाहिए, उस हिसाब से निकल जाता हूँ 5-10 मिनट बाद। तो ये अखरोट का हलवा ले रहा हूँ मैं पाकिस्तान से, ये 400 रुपया पाकिस्तानी रुपया हाफ के जी है, तो मुझे इंडियन करेंसी में पड़ रहा है 230 रुपया, तो मैं 230 रुपये का ये ले रहा हूँ अखरोट का हलवा। बढ़िया था ना? बहुत बढ़िया, इन्होंने भी लिया है, बहुत सही चीज़ है, बहुत सही चीज़ है। अखरोट का हलवा 230 रुपया इंडियन करेंसी में हाफ किलो, क्या टेस्टी है यार, मज़ा आ गया। थोड़ी शॉपिंग कर ली, स्वीट्स वगैरह, अखरोट का वो मिठाई वो ले लिया, और हमने खाया कुछ इनके पाकिस्तानी बर्गर। यहाँ पे सब वेजिटेरियन है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, तो वेज बर्गर था वो, ठीक ठाक लगा। और ये रहे पाकिस्तानी नोट, 10-10 रुपये की नोट, सोवेनियर के तौर पे लेके जा रहे हैं। 20 रुपया इंडियन करेंसी में दिया, तो 40 रुपया उन्होंने ये दिया तो सोवेनियर के तौर पे। व्यूअर भाई, हम यहाँ से अच्छी यादें लेकर बैक टू इंडिया।